महाराष्ट्र कांग्रेस एक संघ है और महाराष्ट्र में कोई कोई भी पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा और आने वाले कल में जब भी चुनाव महाराष्ट्र में आएंगे तो महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस बनकर ही आएंगी, क्योंकि कांग्रेस की जड़ें महाराष्ट्र में बड़े पैमाने में हैं और आज उसको लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और उसके रिजल्ट आप देखोगे। नाना पटोले जी, आप राहुल गांधी से पहले मिलते रहे और बाहर निकल के आप हमेशा ये कहते रहे कांग्रेस पार्टी को अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ना चाहिए अगर खड़ा होना है महाराष्ट्र में, तो जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप गठबंधन की बात करेंगे या आपकी तैयारी अकेले लड़ने की भी है? देखो, हम पूरे 48 जगह पे हम लोगों का काम शुरू हो चुका है, लेकिन जब भी कोई अलायंस होगा तो हमारे साथी जो दल होंगे उसको हमारे पार्टी की ताकत मिलेगी। महाराष्ट्र ऐसा एक स्टेट है कि उसमें शाह फुले अम्बेडकर विचारधारा को मजबूती से लोगों के दिलो दिमाग में है और कांग्रेस को मानने वाला बड़ा वर्ग महाराष्ट्र में, जो भी हमारा साथी रहेगा उसका उसका फायदा होगा। सर, ये एलओपी वाले पर क्या आप लोग दावा करने जा रहे हैं कि एलओपी आपका होना चाहिए, क्योंकि आपकी सबसे बड़ी संख्या है? अभी असेंबली हमारी आने वाले 17 तारीख से शुरू हो रही है, उसके दो दिन पहले उस पर डिसीजन होगा। सर, क्या क्या तीन चीज़ें डिसाइड हुई है महाराष्ट्र को लेकर? महाराष्ट्र में अभी जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे पूरे संगठन को मजबूती से काम किया जाएगा और जैसे ही अब बारिश का सीजन खत्म हो जाएगा तो बड़ी एक बस यात्रा निकाली जाएंगी जिसमें नरेंद्र मोदी जी की सरकार का और महाराष्ट्र की जो तीन तिगाड़ा जो सरकार बनी है उसमें कैसे ईडी और खोके का वापर हुआ है, कैसे दहशत और डर पैदा कर महाराष्ट्र की जो विचारधारा को खरीदने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, ये जनता में जाके हम बताएंगे। और मूल इशू जो है महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या, जब से मोदी जी की सरकार आई, ईडी की सरकार महाराष्ट्र में बनी एकनाथ शिंदे फडणवीस की और अभी उसको अजित पवार भी उसमें शामिल हुए, सबसे ज़्यादा किसानों की आत्महत्या महाराष्ट्र में बढ़ी है, बेरोजगारों की तादाद बड़े पैमाने में बढ़ी है, महंगाई महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा बढ़ी हुई है और ये विषयों को लेकर, गरीबों के इशू को लेकर हम जनता तक पहुँचेंगे और बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर सकती है और सत्ता और उस सत्ता से पैसा और पैसा से सत्ता, यही बीजेपी का जो रास्ता है वो जनता तक हम जाके बताएंगे।